ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੜ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਲੜ ਲਓ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ A few moments later. कनाडा की नीति क्या है? कनाडा की सरकार की नीयत क्या है? और आज हम भारत के प्रति नफरत रखने वाले इन्हीं आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाली मानसिकता और इस आंदोलन के पीछे इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है. आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं. खालिस्तान के नाम पर जो रेफरेंडम का है कि वो अलग देश की मांग करते हैं. अमृतपाल को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, देशद्रोही अमृतपाल पर. अमृतपाल सिंह ने खुद को भारतीय नागरिक मानने से मना कर दिया है. अमृतपाल ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैं स्वयं को भारतीय नागरिक नहीं मानता. असि यह गल दुनिया पद्धर के कहना चाहते हैं कि जी सैल्फ डिटरमीनेशन है ये मनुख का बर्थ राइट है और जे ये साडा राइट सिखा का है राज का जो सुपना है साडा खालिस्तान का जो एम है उन्होंने ईवल तो उन्होंने तैबू ना बनाया जाए उन्होंने बड़ी इंटलैक्चुअल तरीके वेख्या जाए भी ये जियोपोलिटिकल बेनीफिट्स की है तो सिखा लिए बेनीफिट्स की है.